राष्ट्र बनाने के लिए आपको पहले अपने आप को हिंदू तो आप हैं, लेकिन आप देखने से तो लगे कि आप हिंदू हैं, सिखा हो, तिलक हो, धोती हो, कुर्ता हो और गले पर तुलसी की, हाँ तुलसी की। आज विदेशी लोग वृंदावन आते हैं और वो तिलक लगाते हैं माथे पर, प्रभात फेरी निकालते हैं। मैं हैदराबाद भाग्यनगर में मैंने ये अच्छी बात देखी, पूरे देश को यहाँ से ये सीख लेना चाहिए कि भाग्यनगर में, हैदराबाद में बहुत जगह प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं। भाग्यशाली हैं वो लोग जो प्रभात फेरी निकालते हैं और भाग्यशाली हैं वो लोग जो इस प्रभात फेरी में सम्मिलित होते हैं। आप भी, मैं पूरे देश से निवेदन करूंगा, आप जहां रहते हैं वहां एक छोटी सी प्रभात फेरी निकालो कीर्तन करते हुए भगवान का, वहां के सारे कष्ट, सारी बाधाएं इत्यादि नष्ट हो जाएंगे। तो प्रभात फेरी निकालो और सदा भगवान के दिव्य मंगल नामों का स्मरण करो, हाँ या ना? जहां नहीं निकलती, आपकी सोसाइटी छोटी सी है, छोटी सी प्रभात फेरी निकालो, चार छह महिलाएं पुरुष मिल जाओ, कीर्तन करो, प्रभात फेरी निकालो और आप लोग तिलक लगाओ, धोती पहनो और आप लोग कोशिश करो, यदि पॉसिबल हो तो अपने घर पर कम से कम एक एक गौ माता जरूर रखो, रखेंगे। गाय की सेवा करो, भारतीय हो ना, सेवा करो। तो मेरी मां, हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी संस्कृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और सदा भगवान का स्मरण बनाए रखना चाहिए। पौंड्रक काशीराज द्विविध का भगवान ने उद्धार किया, जरासंध को भगवान ने मार गिराया भीम भैया ने और 20,800 राजाओं को मुक्त किया। उन्होंने स्तुति की, मेरे संग बोलो, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये ऐसा मंत्र है, ऐसा श्लोक है कि जो इसका जाप करता है, जो इसका नित्य पाठ करता है, जाप करता है, उसके जीवन में कितना भी बड़ा संकट हो, छू कर निकल जाएगा, बाल भी बांका ना कर पाएगा। ये सारे संकटों से बचाने वाला मंत्र है, इसलिए एक बार सावधान होके पूरे जोश के साथ बोलिएगा और याद कर लीजिएगा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक को याद कर लीजिएगा, बच्चों को याद कराइए।